जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। वाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये है ना मस्त पार्टी होने वाला। So guys, ये कौन सी फिश है ये देखो भाई साहब सांप लग रहा है। मैं जिंदगी में पहली बार पेंगुइन दिखा मेरे को पहली बार लाइफ में पेंगुइन। वाह दिस इज अमेजिंग इतना खूबसूरत खूबसूरत माई गुडनेस। और गाइस कैसी कैसी चीजें देख रहा हूँ मैं ये देखो ये कौन जिंदगी में पहली बार सी हॉर्स देखा गाइस ये देखो लग रहा है। ये भी एक और अलग तरीके का ये क्या फिश है गाइस दिस इज स्टार फिश। बाबू कह रहा है चावल खाया है क्या स्टार हुआ है किसी को बिल्ली भी नहीं हुआ मॉल के नीचे है ना दोस्तों। ये बहुत बड़ी बड़ी फिशेस हैं ये देखिए भाई जी सांप को देखिए कितना शांत से बैठा हुआ है पेड़ पे। और गाइस यहाँ पे भी एक सांप बैठा हुआ है गाइस ये है स्टार फिश देख लो शार्क। गाइस मम्मी को शार्क दिखा रहा हूँ मम्मी ये देखिए शार्क शार्क चीज दिखा है आ रहा रुक जा देख रहे हो अमित भाई देख रहे हो तबाही मचा दिए। Hey guys, what's up? नमस्कार किंतु आदाब सत श्री अकाल वनकम स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बैंकॉक की खूबसूरत सी सड़कों से। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बैंकॉक और बैंकॉक पहुंचने के बाद हमने खूब जम करके हम लोग रेस्ट किए सोए हुए। अब हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ हम लोग जाएँ घूमने वाली जगह पे जाते हैं थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद से जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। वैसे यहाँ की पुलिस और यहाँ की सड़कें और यहाँ के लोग मतलब एक नेक्स्ट लेवल ही है अलग ही मतलब दिख रहा है। अब किस वे में नेक्स्ट लेवल बोल रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता है लेकिन चलो कोई बात नहीं है। बाकी प्रिंस है साथ साथ ऐसे सोच रहा है कि हम क्या करें तो हम लोग चलते हैं देखते हैं कि कहाँ हम लोग घूम सकते हैं और उसके बाद से अपना घूमेंगे। मौसम यहाँ का बहुत गर्मी नहीं कह सकते हैं बहुत गर्मी तो नहीं है गर्मी नहीं है एकदम नॉर्मल है। खाने के लिए हाँ गाइस एक चीज़ तो मेरे को मतलब हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को वो है खाने के लिए। तो अभी तक हमें खाने के लिए कुछ मिला नहीं है लेकिन आई एम श्योर कि बहुत जल्दी हम लोग को मिल जाएगा। इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह हमने बहुत सारे रिसर्च किए यहाँ पर बहुत सारे और एक्चुअली यहाँ की जो फूड है ना उसमें से थोड़ी सी स्वीट स्मेलिंग आ रहा है इसमें कुछ दिख गया तो कुछ मिठास महक आ रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब अलग सा मन हो जा रहा है। बाकी बने रही है आप लोग। तो अभी मैंने एक लिया अडेप्टर और साथ में मैंने अपना सिम भी चेंज कर लिया उस वाले फ़ोन से इस फ़ोन में क्योंकि बार बार हॉटस्पॉट लेना पड़ रहा था। मैं नहीं चाहता था आईफोन का सिम चेंज बट कर लिया फाइनली। और एडेप्टर मैंने बहुत मतलब ज़ोरदार वाला लिया 5 एम्पियर आउटपुट वाला ख़तरनाक ही है। तो अब चलते हैं कहाँ पे मेट्रो स्टेशन। हम लोगों ने फ्रूट चाट सोचा ले लेते हैं 20 बाट का तो देखते हैं हम लोग को क्या क्या मिल रहा है। कुछ और मिल नहीं रहा था चलो फ्रूट से ही काम चलाते हैं क्या। बहुत बुरा हाल है बहुत बुरा हाल मजा भी है बुरा भी है बनाता वही सब है लेकिन लोग मसाला पता नहीं कौन थाईलैंड वाला डाल दे रहा है। गाइस अभी हम लोगों ने ले लिया है कैब और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने प्लेस पे कहाँ जा रहे हैं वो आपको देख ब्लॉग में आगे दिख ही जाएगा। बाकी फिलहाल प्रिंस यहाँ बैठे हुए पीछे नमस्ते रिकॉर्डिंग करते हुए और यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट के सामने से लिए हुए यू टर्न ले करके आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट होप दिस जर्नी वॉज ग्रेट एंड ये 200 भाट में हमने वो किया। बाकी अब चलते हैं आगे। तो थाईलैंड की सड़कों पे हम लोग घूम रहे हैं बैंकॉक में। अरे वहाँ यहाँ तो पिज़्ज़ा हट भी है ये वन वे है मतलब एक साइड से इधर जाना है और एक साइड से आना है। ये बिल्डिंग देखिए ये सब पार्किंग है जहाँ तक आपको फेंसिंग दिख रहा है। आपको दिखाऊँ मैं कार लगी हुई है इसमें ये देखो कार ठीक है और यहाँ से बिल्डिंग भाई साहब कितना ऊपर तक है। खतरनाक बिल्डिंग है भाई चारों तरफ फ्रेंड्स कर रहे भी ये क्या है। जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी क्या मस्त बिल्डिंग है बड़े बड़े मजा आ रहा है वैसे गाइस
बाबू तो देख रहे हैं ऊपर, तो करा नहीं बाबर भाई क्या है गिरने वाला है। तो काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग गाइस, वी आर हैविंग गुड टाइम हियर। एंड अभी हम लोग जा रहे थे एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ, सब खुल गया गाइस जैसे हम उतरे टैक्सी से, सारा ट्रैफिक खुल गया। अब पता नहीं, चलो खैर पैदल चलने का अलग मजा है ना, हम लोग अपना बहुत दूर है, हम लोग गाड़ी निकल गई चप्पल ही पहन गया। तो गाइज यहाँ डॉन मुआंग एयरपोर्ट हम लोग जा रहे हैं, कोई सी लाइफ करके एक एक्वेरियम है वहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे अगर कैमरा अलाउ हुआ। और यहाँ तक हमें देने पड़े 200 भाट यानी कि 500 रुपये। तो यहाँ ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर हमने टैक्सी ट्रैवल किया, बाकी चलते हैं अब देखते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ ट्रैफिक पे हम लोग खड़े हैं क्योंकि हम लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, जब यहाँ ग्रीन होगा तो ही ट्रैवल करते हैं। अब हो गया ना हमारी बारी, अरे वाह कैसे चल रही है, चलो हमारी बारी आ चुकी है। अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे क्योंकि नीचे बहुत ट्रैफिक था, जैसे हम गाड़ी से निकले ट्रैफिक ही फ्री हो गया, बताओ मतलब किस्मत इतनी ख़राब है। खैर कोई बात नहीं है, इसी बहाने मौका मिला मेट्रो स्टेशन पे आने का। अब मेट्रो ट्रेन से मेयर प्रिंस जाएंगे हम लोग जहाँ जाना है आगे। तो यहाँ का जो मेट्रो कार्ड है वो कुछ इस तरीके का है, हमने जो टिकट लिया है वो सियाम की तरफ जाने के लिए लिया है और सियाम पे इंटरचेंज भी है। चलो चलो जल्दी चलो, बैंकॉक की मेट्रो में आपका स्वागत है। तो गाइस अब हमारी ट्रेन आ रही है, यानी कि जो हमारे स्टेशन की, यहाँ की मेट्रो ट्रेन थोड़ी छोटी है। प्रिंस कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं, दिस इज अ ट्रेन। मेट्रो से कितना खूबसूरत नज़ारा, प्रिंस यहाँ बैठा हुआ है, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बस अब हम लोग आ चुके हैं सियाम स्टेशन, पूरा यहाँ पर मेट्रो में लोग भरे हुए हैं। आ जाओ बाबू चलो। वाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये है ना, मस्त पार्टी होने वाला है। हाँ गाइस तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे सियाम, और अभी मैं जितना भी बोला हूँ ये पीछे फाउंटेन की आवाज़ की वजह से मुझे कुछ आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले थे लाइफ सी ओशियन में, सी लाइफ ओशियन वर्ल्ड में, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर आपको फिशेस दिखेंगी। तो बने रहिएगा व्लॉग में, आई एम श्योर आप लोग इन्जॉय करोगे, पक्का मज़ा बहुत आने वाला है। तो फोटोग्राफी हम लोगों ने खींच लिया है और अब हम लोग चलते हैं अपने सी लाइफ ओशियन वर्ल्ड में। वाह दिस इज जस्ट अमेजिंग। Welcome to discover jungle's deepest wonders. तो गाइस अभी हम लोग आए हैं एक्वेरियम में, और यहाँ अंदर आने का टिकट हमें मिला लगभग 1300 भाट का एक बंदे का, यानी कि 2600 भाट, तो टोटल मिला करके 6000 रुपये का हम लोग का ये एक्वेरियम का इसका टूर है। चलो आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए कितनी यूनिक फिश है, अलग अलग डिजाइन का फिश है जो कभी नहीं देखे होंगे। सो गाइस ये कौन सी फिश है, ये देखो भाई साहब सांप लग रहा है, ये मछली है प्रिंस, ये क्या है जी, मछली मछली नहीं है मछली है सांप इसके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ भी है, तीन है यहाँ पे, यहाँ पे कितना सारा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Wow, this is a beautiful fishes. ये भी एक फिश है, ये एक्यूरा यहाँ पे कितनी खूबसूरत खूबसूरत है। गाइस दिस इज अमेजिंग, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है जी, आप लोग देखो भाई इतनी मोटी मोटी फिश है। ओ भाई गाइस अंदर आने के बाद तो भाई कितना बड़ा बड़ा है मछली, कितना बड़ा मछली था ना भाई, सो आप हो कितना बड़ा नीचे जा। चलो जिंदगी में पहली बार पेंगुइन दिखा मेरे को, पहली बार लाइफ में पेंगुइन, अरे वाह प्रिंस पेंगुइन पहली बार लाइफ में, पैसा हजम देखो कैसे।
कितने क्यूट है। तो दोस्तों लाइफ में पहली बार पेंगुइन देखा हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह कितना खूबसूरत है बोटिंग, दिस इज अमेजिंग। इतना खूबसूरत खूबसूरत फिश, ये तो मेरे हाइट का फिश लग रहा है। ये भी देखिए एक और साफ नजर है, महंगी मछली है। एक अजगर भी सब थी कैंसर। कैसा लग रहा है इतना बड़ा बड़ा। माय गुडनेस यार गाइस, कैसी कैसी चीजें देख रहा हूँ मैं। ये देखो ये कौन सा फिश है, अमेजिंग। रेत में आधा बॉडी, ये कौन सा फिश है? फिश नहीं है, स्नेक है। स्नेक फिश है, फिश पानी में। वहाँ भी फिश है, जिंदगी में पहली बार सी हॉर्स देखा गाइस। ये देखो एक ही है, झींगा भी है इसमें। सी हॉर्स देखो कितना क्यूट लग रहा है, तुम देखा था कभी आज तक? ओ भाई अल्टीमेट सी हॉर्सेस। यहाँ पे क्या है इसे? अच्छा ये पूरी फेरा है। पूरी फेरा? हाँ पूरी फेरा, तो पौड़ी फेरा ना भाई। ये भाई पौड़ी फेरा तो गिनता नहीं है, क्या लिखा हुआ है। वाह सी हॉर्स भी देख लिए, कितना सुंदर सुंदर है सब। चलो इस ये भी एक और अलग तरीके का, ये क्या फिश है? इसका नाम है टाइगर कोंच, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी कोंच। बहुत प्यारा गाइस, दिस इज स्टार फिश। बाबू कह रहा चावल खाया क्या स्टार फिश? यहाँ भी एक स्टार फिश, स्टार फिश। चलो कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार, मतलब मेरे को फीलिंग आई। इतना खूबसूरत खूबसूरत फिश, मम्मी देखेंगी मनीषा देखेंगी बहुत उनको खुशी होती है। अरे भाई तो खुला हुआ है, तो ओपन है, ऊपर से हुआ है, किसी को बिल्ली भी नहीं होगा। मॉल के नीचे है ना, वही तो। बहुत अच्छा है इधर, बहुत बहुत सुंदर है थाईलैंड। अगर आप आ रहे हो तो सी लाइफ ओशियन एक बार ज़रूर विजिट करना बैंकॉक में, बहुत अल्टीमेट लगेगा। थोड़ा सा ये लॉक कर, थोड़ा सा जो यहाँ का फेयर है वो थोड़ा महंगा है, मतलब अंदर का जो टिकट है टिकट प्राइस महंगा है। देखो बैंक कहाँ है बैंक दोस्तों, आप ये मेंढक देख रहे हैं? मेंढक, ओए मेंढकू आई बाप, अंदर कुछ और भी है क्या? ना मेंढक ही है, एक ही मेंढक है नहीं, बाकी यहाँ पे भी है क्या? हाँ इसमें भी मेंढक है, अलग प्रजाति का। वाह भाई वाह, इसमें भी मेंढक होगा। मेंढक को भी यहाँ पे इकट्ठा कर कर रखा गया है, कहाँ गया? अरे वाह यहाँ पे कितना खूबसूरत है। तो मेरे को कभी यकीन भी नहीं हो रहा था कि ऐसा ऐसा भी होता है जानवर। ये देखिए लॉन्गोज गार्ड, तो भैया को लग गया है थोड़ा सा। और ये गाइस ये है ओरियो वाला आइसक्रीम, बेसिकली
70 भाट का मिला, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 160 रुपीज़ के आसपास। गाइज आप लोगों को सारा कुछ बता दिया जा रहा है कि जब आप लोग आए तो थोड़ा प्रिपेयर होके आए, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भाट में ही सब मिलता है, सब कुछ है इसमें। लेकर भाई जी सांप को देखिए कितना शांत से बैठा हुआ है पेड़ पे लपेट कर, अलग ही लेवल का ये। और गाइस यहाँ पे भी एक सांप बैठा हुआ है। बीन नागिन डांस क्यूट लग रहा है लेकिन ना, अगर इसके लिए खाना रखा हुआ है देखो ना, क्या हुआ तुम देखो ना ये कितना पतला है, छोड़ो ना ये दिखा ना भैया क्या रखा हुआ है बेचारा के लिए। चूहा को खाना, चूहा ही बड़ी क्यूट है इसको रखा है सर, खाएगा नहीं क्या? बाप रे इसका मुंह छुपा लिया, मुंह है मुंह और पूंछ पतला है, बाकी देह मोटा है पूरा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बड़ी फिशेस हैं, ये देखिए ये बोल रही है, बोल रही है। आई बाप नीचे कौन सा फिश है ये वाला? तो वो फिश है हम देखे थे एक बार, है ना, बहुत बड़ी बड़ी मछली है ये। कौन सी फिश है गाइस कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। ऊपर से देखो कैसा लग रहा है गाइस, ये है स्टार फिश, देख लो स्टार फिश कैसा होता है। वाह इसके यहाँ सब चल रहा है, ये इतना सारा मछली पकड़ पड़ेगा इसे रखा है। दोस्तों आप ध्यान से देख सकते हैं स्टार फिश कैसा होता है, अलग अलग डिजाइन जो स्टार फिश है वहाँ भी है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है। बोल रही है ना क्या, इसको हम लोग टच भी कर सकते हैं। लेकिन मैं टच नहीं करूँगा, चलो किन लफ्जों में मैं आपको बताऊं, आना सफल हो गया यहाँ पे ना। हम लोग को लग रहा था महंगा टिकट है, ठीक है महंगा तो है फिर भी, लेकिन ये पहली बार जिंदगी में देखने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। बहुत दूर हो गया इधर अच्छा लड़ गया क्या इसमें? प्रिंस चलते चलते लड़ चुका है इसमें, बहुत सुंदर लग रहा है अंदर अंदर से, चलिए आपको दिखाते हैं। वाओ गाइस दिस इज ऑसम, आप देखो ऐसे हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, ऊपर नीचे सब तरफ पानी ही पानी। प्रिंस कैसा लग रहा है? अल्टीमेट यहाँ पे भी, कितने अच्छे फिश है। Shall I click it for you? ये है शार्क मछली, शार्क आपने से शायद बहुत कम लोगों ने देखा हो, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ जिंदगी में भाई शार्क। टिकट अरे यहाँ पे मैं मुझे आप लोग पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक से क्लियर लाइट अंधेरा है, और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत। मम्मी को वीडियो कॉल कर रहा है प्रिंस, ये देखिए फिश कितनी बड़ी बड़ी, ऐसा लग रहा है अरे वाह नीचे से पूरी प्लेन है ये तो। इस पे स्टेयर्स भी है, लोग उतरते हैं, ओ माय गॉड अल्टीमेट। तो गाइस मम्मी को शार्क दिखा रहा हूँ, मम्मी ये देखिए शार्क, ये देखिए शार्क। लड्डू भी देख रहा है फिश, हम लोग समुंदर के अंदर हैं। मेरे को उधर भी ले जाके दिखाते हैं, देखिए है।
हाँ देख रही है भाभी को, इसको देखिए भाभी को कनेक्ट करो ना। तो गाइस यहाँ पर काफी मस्त, मेरे को भी दिखा दो। बहुत मस्त, पता है 6,000 रुपया लगे अंदर आने का दोनों आदमी का, पूरा ऊपर भी पानी है। मस्त भाभी को कनेक्ट कीजिएगा, नहीं उठा दे और उधर वाला उधर वेल दिखाते रो रहा है। Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Baby shark. बस झकास चीज दिखा है। आ रहा आ रहा आ रहा है, रुक जा। पक्का डरेगी नहीं ना? डरेगी डरेगी नहीं ना? पक्का दिल थाम के बैठ जाइए। वो कैसे रखो? ये देखिएगा, इस मनीषा बात कर रही है। मनीषा को मैसेज करना है। मनीषा देखो कौन आ रहा है। ये देखो आपका दोस्त, मुंह देखिए मनीषा का। शार्क है, शार्क समुद्र के अंदर है। हम लोग मोटी है ये होती। हाँ समुद्र के अंदर हम लोग। हाँ सही में ऊपर दिखाते हैं, उधर उधर ऊपर। चलो तो ऊपर दिखाते हैं। पता लगा? देखिए भाई डर गई है बुरा तरीके से। हम लोग समुंदर के अंदर हैं। फिल्म में ऐसा देखी होंगी। उधर से पास में वहां से पास देख रहे हो अमित भाई? अमित भाई देख रहे हो? तबाही मचा दी है। पछता रहे हैं कि नहीं अमित भाई आप? पासपोर्ट वासपोर्ट बनवा लीजिए अच्छे से। खूब मजा आ रहा है घूमने में। एक आदमी का पता है कितना टिकट है यहाँ का? एक आदमी का है 3,200 रुपए यहाँ पे घुसने का। शार्क को बाय बाय कर दो। बाय बाय शार्क। देख देखो ये बड़ा वाला। माय गॉड दूधू को साहब, भाई साहब दांत देखो भाई इसके, क्या निकले निकले दांत। काट लेगा तो